Here we are going to explain power series solution when x is equal to a is an ordinary point. In this example, we have to find a power series solution in powers of x of the given differential equation, which is 1 minus x squared d2y upon dx squared minus 2x dy upon dx plus 2y is equal to 0. So the given differential equation is this one, 1 minus x square d square y upon dx square minus 2x dy upon dx plus 2y is equal to 0. तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, विच इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को हम इसे कंपेरिजन करते हैं, तो हमें पी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है. अब हमें यह चेक करना है कि x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे वो ये ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर सिंगुलर पॉइंट है. तो चेक करने के लिए जो हमारा प्रोसीडर है, प्रोसीडर है वो है पी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यू एस इज 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर हम x टेंड्स टू 0 पे इसकी लिमिट लेकर पी एक्स को देखें तो ये आता है 0, विच इज अ फाइनाइट क्वांटिटी. सेकेंड, अगर हम सेम लिमिट x टेंड्स टू 0 क्यू एक्स के लिए लें तो ये वैल्यू आती है 2, विच इज ऑल्सो अ फाइनाइट क्वांटिटी. सिंस बोथ आर फाइनाइट, सो पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक एट x इज इक्वल टू 0. And hence, x is equal to 0 is an ordinary point. Now, since x is equal to 0 is an ordinary point of the given differential equation, so जैसे ही x is equal to 0 ordinary point होगा, हम assume कर लेंगे कि y is equal to summation n from 0 to infinity cn x minus 0 to the power n. It's solution of the given differential equation. Now differentiating it with respect to x, dy upon dx is equal to summation n from 0 to infinity cn n x to the power n minus 1. अब n is equal to 0 के लिए first term की value 0 हो जाएगी, so हमने ये summation n is equal to 1 से infinity लिया है. So summation n from 1 to infinity cn into n x to the power n minus 1. Again differentiating it with respect to x, we have d2y upon dx square is equal to summation n from 0 to infinity cn into n minus 1 x to the power n minus 2. अब n is equal to 0 and 1 के लिए इसके first term की value 0 हो जाएगी, इसलिए हमने n is equal to 2 से ये summation suppose किया है. Summation from n is equal to 2 to infinity cn into n minus 1 x to the power n minus 2. After differentiating by putting the value of y, dy upon dx and d2y upon dx square in the given differential equations. तो ये सभी वैल्यू रखने से हमें मिलता है 1 minus x square into summation of n from 2 to infinity cn n into n minus 1 x to the power n minus 2 minus 2x summation n from 1 to infinity cn n x to the power n minus 1 plus 2 summation n from 0 to infinity cn into x minus 0 to the power n is equal to 0. Now by multiplying 1 with this power series, we have this term. अब अगर हम x square से multiply करें इसे, तो x का power यहाँ 2 है, और यहाँ पे x का power n minus 2 है, तो plus 2 minus 2 is 0, so the remaining one is x to the power n minus 2. अगर हम इस x को summation के अंदर ले लें, तो यहाँ x का पावर n माइनस 1 है. अब x का पावर 1 एंड माइनस 1 इज 0, सो रिमेनिंग 1 इज x टू द पावर n हियर एंड प्लस 2 समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cn x टू द पावर n इज इक्वल टू 0. नाउ वी नो व्हाट्स द रूल, कि इसमें दो कंडीशन है कि जो जितने भी समेशन है, समेशन इंडाइसेस शुड बी सेम, और सेकंड कंडीशन है कि जो x का पावर है वो सब में एक जैसा होना चाहिए. तो फर्स्ट में अगर हम समेशन इंडाइसेस सेम करें, n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें, तो x का पावर डिफरेंट हो रहा है,
इसलिए हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज छोड़ रहे हैं, फर्स्ट सीरीज को. अब सेकेंड थर्ड फोर्थ सीरीज में एक्स का पावर सेम है, एक्स टू द पावर एन है, और इसलिए हमने एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी लिया है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट के टर्म जीरो है, सेकेंड एक्सपेंशन भी जीरो है. तो अगर हम ये समेशन एन इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ले लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब हम देख रहे हैं कि जो ये तीन पावर सीरीज है इन सभी का समेशन इंडाइसिस भी सेम है और एक्स का पावर भी सेम है. तो अब जो हमने मेथड सीखा था कि पावर सीरीज को कैसे ऐड करते हैं, तो उस मेथड से हम अब इस पावर सीरीज को और इस पावर सीरीज को ऐड करेंगे. तो जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं कि दो पावर सीरीज को हम कैसे ऐड करते हैं, तो अब यहाँ पे हमारा एक्स का पावर, यहाँ पे एन माइनस टू है तो इसे हम के सपोज कर लेंगे. सेकेंड सीरीज में एक्स का पावर एन है, इसे हम के सपोज कर लेंगे. नाउ हियर के इज अ डमी वेरिएबल, सो के से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. यहाँ पे वी गेट समेशन के इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी के प्लस टू इंटू के सी के प्लस टू एक्स टू द पावर के माइनस समेशन के फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ब्रैकेट के इंटू के माइनस वन प्लस टू के माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई सी के इंटू एक्स टू द पावर के इज इक्वल टू जीरो. नाउ वी रिप्लेस के बाई एन, क्योंकि के डमी वेरिएबल है इससे हम के की जगह एन भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एन प्लस टू एन सी एन प्लस टू एक्स टू द पावर एन माइनस समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ब्रैकेट एन इंटू एन माइनस वन प्लस टू एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई सी एन एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू जीरो. वेयर आर सो वी हैव, यहाँ पे के डमी वेरिएबल है. वी गेट समेसन के फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी टू के प्लस टू इंटू के प्लस वन सी के प्लस टू एक्स टू द पावर के माइनस समेसन के फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी इंटू के माइनस वन प्लस टू के माइनस टू सी के एक्स टू द पावर के इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो समेसन इंडाइसिस है दोनों पावर सीरीज का अब सेम हो गया है और एक्स का पावर भी सेम है. तो अब हम समेसन के फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी कॉमन ले सकते हैं. वी हैव के प्लस टू इंटू के प्लस वन सी के प्लस टू माइनस दिस वन के इंटू के माइनस वन प्लस टू के माइनस टू सी के क्लोज दिस ब्रैकेट एक्स टू द पावर के इज इक्वल टू जीरो. अगेन समेसन के फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी इज कॉमन के प्लस टू के प्लस वन सी के प्लस टू. अब अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो वी हैव के प्लस टू इंटू के माइनस वन सी के क्लोज दिस ब्रैकेट एक्स टू द पावर के इज इक्वल टू जीरो. अब इक्वेटिंग द कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर के इज इक्वल टू जीरो वी हैव के प्लस टू इंटू के प्लस वन सी के प्लस टू माइनस के प्लस टू इंटू के माइनस वन सी के इज इक्वल टू जीरो विच फर्दर इम्प्लाइज सी के प्लस टू इज इक्वल टू के प्लस टू इंटू के माइनस वन सी के अपॉन के प्लस टू इंटू के प्लस वन के प्लस टू के प्लस टू कैंसल्ड आउट हियर. सो सी के प्लस टू इज इक्वल टू के माइनस वन अपॉन के प्लस वन इंटू सी के. सो हियर वी हैव ऑब्टेन रिकरेंस फॉर्मूला डेट इज सी के प्लस टू इज इक्वल टू के माइनस वन अपॉन के प्लस वन सी के. दिस इज कॉल्ड रिकरेंस रिलेशन और फॉर्मूला. अब इस रिकरेंस रिलेशन में हम के की जगह जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट इक्वेशन फर्स्ट में रख के देखेंगे डेट इज इन रिकरेंस रिलेशन. सो वी हैव सी टू इज इक्वल टू, अगर हम के इज इक्वल टू जीरो रखें तो दिस इज सी टू. सी टू इज इक्वल टू जीरो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन इंटू सी जीरो. सो दिस इज माइनस वन अपॉन वन सी नॉट. सो सी टू इज इक्वल टू माइनस सी नॉट. ये क्या हो गया गुल्लू? हाँ तुम्हारा वो पेन था मोड में, पेन मोड में नहीं आया था. तुम रिकॉर्डिंग भी कर ली और तो ये तुम किए. सो सी टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन सी नॉट. सी टू इज इक्वल टू माइनस सी नॉट. सिमिलरली अगर हम के की जगह वन रख के देखें तो सी थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस वन इज जीरो, जीरो अपॉन टू इंटू सी जीरो. सो सी थ्री इज जीरो. सी फोर मतलब अगर हम के की जगह टू रखें तो सी फोर इज इक्वल टू टू माइनस वन अपॉन टू प्लस वन डेट इज वन अपॉन थ्री. सो सी फोर इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री माइनस सी नॉट.
Similarly, in similar way, we can find C5, C6, and this constant. Now, by putting these all value of C1, C2, C3, dot 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 Cn in our assumed solution, which we have assumed already, which is y is equal to summation n from 0 to infinity Cn x to the power n. अब हम अगर इसका एक्सपेंशन करें n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 रखें तो हमें मिलेगा सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब प्लस सी फोर एक्स टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट. अब सी नॉट प्लस सी वन एक्स ऐसे ही रखेंगे. अब सी टू की वैल्यू था हमारा माइनस सी नॉट, तो सी टू की जगह हमने माइनस सी नॉट रखा और सी थ्री की वैल्यू थी 0, तो सी थ्री की जगह 0, सी फोर की जगह माइनस 1.3 सी नॉट प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस डॉट डॉट. इस तरह से जो भी वैल्यू हमने कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑब्टेन किया था वो इसमें रखेंगे. अब जो सी नॉट के साथ कॉमन आ रहा है उसको हमने एक साथ ले लिया है और रिमेनिंग वन इन अदर ब्रैकेट डेट इज सी वन एक्स. सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन.